हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन गाना खाना एंड सजाना, और मैं हूं मनोरमा। बहुत सारा प्रोजेक्ट मेरा पेंडिंग पड़ा है, DIY, टिप्स एंड ट्रिक्स, क्लोथिंग हैक्स, दो बालकनी मुझे शेयर करनी है आप लोगों के साथ, उनका डेकोरेशन, ये सब पेंडिंग पड़ा है। क्योंकि वो सब करने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा और मुझे अंदर जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। और आज इतना अच्छा धूप खिला है और वो सब करने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा, मुझे अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बस बंद कर मैं यहीं बैठी रहूँ धूप में, और वो सारे काम मैं यहाँ नहीं कर सकती, यहाँ मैं सिर्फ बकवास ही कर सकती हूँ। आज मैं अपने बाल की खाल निकालती हूँ, ये जो बाल देख रहे हैं ना मेरे, ये खानदानी बाल है, ये हमें खानदान से मिले हैं, हम बालों की कोई केयर नहीं करते हैं। और ये एक तरह से अनवांटेड है मेरे लिए, मुझे बहुत उलझन होती है बालों से, अब तो गर्मी में तो खास कर बहुत उलझन होती है, और बाल काटने की हिम्मत मेरी नहीं होती क्योंकि मुझे लगता है कि बाल काटने के बाद मैं कहीं परकटी ना लगूं। मुझे डर लगता है, पता नहीं मैं कैसी दिखूंगी, इसलिए मैं डर के मारे में बाल नहीं काटती अपने, जैसे हैं बस ऐसे ही हैं, कोई केयर नहीं करती हूँ। अगर आज मैं इतना बाल काट दूँ तो एक महीना दो महीने बाद फिर इतने बड़े हो जाएंगे। तो ये बाल की कहानी, मेरे यहाँ बाल की भी बड़ी अजीब सी कहानी है। ये खानदानी बाल हैं हमारे, ये हमें खानदान से मिले हैं बाल, मेरे नानी के, माँ के, मौसी के, मेरी छोटी सिस्टर, सबके बाल बहुत लंबे लंबे, घने घने लंबे लंबे, और हम बालों की कोई केयर भी नहीं करते। ये ऐसे हमें, मेरे खानदान में बालों की खेती होती थी, मेरी मौसी के सबसे ज़्यादा बाल थे, मैंने बड़ी मौसी, मेरी मौसी, बड़ी मौसी मेरी माँ से 5 साल बड़ी है, आज भी हैं वो, बस एक बड़ी मौसी हैं और एक छोटे मामा हैं, 20 के 4 लोग चले गए दुनिया से, मौसी आज भी हैं और 80+ हैं, आज भी उनके सारे बाल पक गए हैं लेकिन इतने मोटे, अभी छोटी होती है उनकी। वो जब बच्ची थी तो बहुत घने बाल थे उनके और वो बाल से बहुत परेशान रहती थी, अपना बाल वो खुद नहीं धो पाती थी, नानी ही बाल धोती थी उनके, 10-12 साल 13 साल तक, मतलब जब तक वो शादी के पहले तक नानी ही बाल धोती थी उनकी। अगर कभी सुबह कभी अगर नानी ने बोल दिया कि तुम्हारा आज बाल धोना है तो वो सुबह सुबह घर से भाग जाती थी और भाग के अपने फ्रेंड के जाके छुप जाती थी और शाम को आती थी ताकि बाल ना धोना पड़े, ऐसी मतलब बाल से इतनी परेशान थी वो। एक दिन नानी बहुत नाराज़ हो गई, बहुत गुस्सा हो गई, लाओ तुम्हारा बाल हम काट दें, तुम्हारा इतना घना घना बाल, एकदम परेशान हो गए तुम्हारे बाल से हम। तो मेरी मौसी कहती है तुम क्या काटोगी, लाओ ना हम ही काट देते हैं, और ये नीचे से इतना बाल काटते हो फेंक दी। माँ बताती है कि ऐसे फेंकी बिल्कुल, लो हम काट दिए, ये हालत थी बाल की। खैर बड़ी हुई, 15-16 साल की हुई, शादी हो गई, अब ससुराल आई, जब बाल धोने का टाइम आया तो उनके यहाँ वो चापाकल होता है ट्यूबवेल, वो था, वहाँ बैठ कर रोने लगी, बैठ कर रो रही हैं। मौसी के साथ से क्या हुआ, तो कहती हूँ हमसे बाल नहीं धुलेगा, क्यों, क्योंकि मेरे बाल मेरी माँ धोती थी। तो उनकी सास बहुत अच्छी थी, तो वो जब तक वो रही तब तक वो, मतलब जब तक वो मैच्योर नहीं हो गए, जब तक वो अपना बाल संभालने के लायक नहीं हो गए, तब तक उनकी सास ही उनका बाल धोती थी। तो ये थी बाल की कहानी। हम लोग बिल्कुल ही बाल की केयर नहीं करते हैं, बस जैसा है वैसा है, ये अपने आप ही इतने घने हमारे बाल हैं, खानदानी, मैं इसको खानदानी बाल बोलती हूँ। तो आज मैंने बाल धोया तो मैंने सोचा कि ये छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई मौसी की, तो मैंने सोचा कि आप लोग साथ में शेयर करती हूँ। और ये हैं मेरी मौसी, 80+ हैं और आज भी इनके बाल सारे सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन आज भी इनके बाल बहुत घने हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।